Good morning, dear students. Welcome back to the another session of the lesson Agriculture in Geography. In this session, we are going to learn about technological and institutional reforms. In the previous session, we have learned about what is agriculture, types of agriculture, then type of crops, food crops, other than food crops, non-food crops, okay, and their climatic condition, which they require. So today we are going to learn about which technological and institutional reforms are necessary for the development of the agriculture. Okay, जैसे कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, खराब थी. एग्रीकल्चर जो है, मतलब हमारी मेन प्राइमरी एक्टिविटी उस टाइम पे की क्या थी, एग्रीकल्चर थी, और हमारे फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर जो है रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए थे. तो आज हम वही करेंगे. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे फार्मर्स है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है. मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट फार्मर्स आर फेसिंग इन एग्रीकल्चर. सबसे पहले बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारा इनहेरिटेंस जो एक्ट है, मतलब हमारी जो जमीन है, पैतृक जमीन है, वो आगे जाके क्या हो जाती है, बढ़ जाती है फैमिली मेंबर्स में. मतलब हमारे जो ग्रेट फादर ग्रैंडफादर्स है, तो उनकी जमीन आगे आकर उनके बच्चों में ऐसे बढ़ जाती है. तो सभी के पास जो है लैंड होल्डिंग्स है, वो आगे बंटवारे के कारण क्या हो जाती है, हमारे पास जो है भूमि के छोटे छोटे हिस्से आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास आते हैं. मतलब ऐसे ही इसका क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है. तो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे फार्मर्स की, जो हमारी पैतृक भूमि है, जो हमें जो इनहेरिटेंस एक्ट के द्वारा मिल रही है, उसका क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हमारी लैंड होल्डिंग्स का, जिसके कारण हमारे पास भूमि के बहुत ही स्मॉल पैचेस रह जाते हैं. देन नेक्स्ट क्या है कि हमारे इंडिया में मोस्टली प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो है लोग यूज कर रहे. क्यों यूज कर रहे, बिकॉज दे आर हैविंग अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड, और उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो उस लैंड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके. तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग का क्या कर रहे, यूज कर रहे. ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता. फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे जो फार्मर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मानसून के ऊपर एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मतलब इंडिया जो है, इंडिया के जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है उसके ऊपर मानसून का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. मतलब मानसून जो है वो हमारे एग्रीकल्चर को, हमारी कृषि को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है. तो यहाँ पे फार्मर्स जो है वो मेन किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मानसून के ऊपर डिपेंड होते हैं एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड होते हैं. ये फार्मर्स जो, जिन्हें हम स्मॉल फार्मर्स भी कहते हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स जो है वो बहुत कम है. फिर आगे अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जब एक छोटा किसान खेती करता है तो वो क्या करता है, मनी लेंडर्स से ऋण लेता है. वो लोन ले रहा है मनी लेंडर्स से, ओके, देन ही इज डूइंग फार्मिंग. तो कई बार क्या आ जाती है कि नेचुरल कलामिटीज आ जाती है, लाइक फ्लड है, ड्रॉट है, ओके, साइक्लोन्स वगैरह है. तो इन नेचुरल कलामिटीज के कारण या फिर कोई डिजीज वगैरह जो है, क्रॉप्स डिजीज है, वो फैलने के कारण क्या हो जाती है, फसल खराब हो जाती है. तो ये जो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि फार्मर जो है वो लोन नहीं दे पाता. अगर वो लोन नहीं दे पा रहा है, उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई, ये क्रॉप फेलियर के कारण वो अपना लोन नहीं भर पाता, फिर से वो क्या करता है, दोबारा से लोन ले लेता है. तो इस तरह से वो एक लोन ट्रैप या लोन साइकिल में क्या हो जाता है, फंस जाता है, जिसका फायदा कौन उठाते हैं, मनी लेंडर्स उठाते हैं. और ये मनी लेंडर्स हमारे फार्मर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. तो एक्सप्लॉइटेशन बाय लोकल मनी लेंडर्स, इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर. नेक्स्ट अगर हम देखें तो लैक ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कलामिटीज. कई बार क्या है कि हमारे यहाँ पे नेचुरल कलामिटीज आने के कारण जब क्रॉप फेलियर होता है, तो उसके लिए मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही क्या है, कम है. मतलब कुछ किसान
किसानों को इंश्योरेंस नहीं मिल पाता। तो ये जो प्रॉब्लम्स है मोस्टली हमारे इंडियन फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। नॉट ओनली इंडियन फार्मर्स, जितने भी स्मॉल फार्मर्स है या लैंडलेस फार्मर्स है, वो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, फेस करते हैं। इन ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उनका जो लाइवलीहुड है उसको पूरी तरह से क्या करती है, प्रभावित करती है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे मतलब जो पुअर जो लोग थे उनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा कम थी, या बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो क्या थे, लैंडलेस थे। मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता था, जमींदारी सिस्टम होता था। मतलब बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और वो अपनी ज़मीन को फर्दर क्या करते थे, पटीदार होते थे। मतलब पटी के ऊपर ज़मीन जो है छोटे फार्मर्स को देते थे, टीनेंट्स को देते थे, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्या इंट्रोड्यूस किया गया, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या रही है कि एग्रीकल्चर को कैसे सुधारा जा सके। मतलब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की जो प्लानिंग थी वो किसके ऊपर थी, ओनली एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। उसके बाद जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए कलेक्टिवाइजेशन, जैसे कि आपने नाइन्थ क्लास में किया था स्टालिन का जो प्रोग्राम था कलेक्टिवाइजेशन, ओके। देन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है कि एक फैमिली मेंबर्स है, चार पांच भाई है, उनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं जमीन के, तो वो आपस में मिलकर उस जमीन पे क्या करे, खेती करे। तो हम इसको क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो ये सारे जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, मतलब जो जमींदारी सिस्टम है उसको क्या कर दिया गया, एबोलाइज कर दिया गया। अभी क्या है कि जो जमींदार थे उनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, ठीक है, तो उनकी जमीन को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसके, किनको, जो स्मॉल फार्मर्स थे या जो लैंडलॉस फार्मर्स थे। मतलब वहां पे जो है जो नीचे वाले हैं, इंडिया क्या चाहती थी कि जो हमारे टीनेंट्स है, जो फार्मर्स है, उनकी स्थिति को सुधारा जा सके, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर जो है वो हमारे इंडिया की क्या थी, एक बैकबोन है इंडिया के लिए। तो उस सिस्टम को, मतलब जमींदारी सिस्टम को एबलाइज किया गया, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उनकी ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किसमें, स्मॉल फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनसे ज़मीन लेकर। मतलब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को पूरी तरह से क्या किया गया, एक्टिव किया गया, इंट्रोड्यूस्ड किया गया, अच्छे से कलेक्टिवाइजेशन किया गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके वहाँ पे खेती करना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हो गया, जमींदारी सिस्टम को भी क्या कर दिया गया, एबलाइज कर दिया गया, ताकि पुअर फार्मर्स की जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, उनको अपलिफ्ट कर सके। फिर बाद में जो है गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए। अभी हमने ये सारा किया है, इसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स उठाए गए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, मतलब ऐसा क्या किया जाए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो सके, हम फूड सिक्योरिटी प्राप्त कर सके। मतलब जो इंडिया है वो जो है फूड सिक्योर हो सके। तो इस बहुत सारे मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ने उठाए थे। वो कौन कौन से मेजर्स है, जैसे कि 1960s और 1970s के टाइम में, डिकेड में, ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके इंट्रोड्यूस जब इंडिया में किया गया तो सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग। मतलब जो फार्मिंग है उसमें मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करना, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम को यूज करना, अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस करना, इरिगेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बनाना, और फिर इसमें क्या किया गया, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, इन सभी को अच्छे से अच्छे क्या करना है, इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो है वीट
राइस की जो खेती है उसको अच्छे बड़े पैमाने पर क्या किया जाए, वहां पे प्रोडक्शन किया जाए, मतलब इन सभी का यूज करके एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड है उस पे भी ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके। तो ये था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो गेहूं की व्हीट की खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, सॉरी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो इन एरियाज में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा था। देन हम करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन, जैसे कलर से ही पता है व्हाइट, तो ये किसके लिए था, पशुओं के लिए था, मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए था, मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो व्हाइट रेवोल्यूशन को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो ये वाले रिफॉर्म्स जो है 1960s और 1970s के डिकेड में किए गए थे, ये मेजरमेंट लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम इसमें कर रहे हैं कि 1980s और 1990s में लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए एंड टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे। तो इस टाइम पे मतलब कुछ लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे और कुछ टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए थे, लाइक क्रॉप इंश्योरेंस, मतलब अगर फसल खराब हो रही है कोई कलामिटीज वगैरह के कारण तो क्या मिलेगी, क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगी, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, फार्मर्स को प्रोटेक्शन देगी, किसके लिए, नेचुरल अगर डिजास्टर आ रहा है तो क्या करेगी, फार्मर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कुछ जो है मुआवजा वगैरह उनको देगी। यहाँ पे फिर क्या किया गया, नेक्स्ट सब्सिडीज दी गई। ओके, तो सब्सिडीज जैसे कि मोस्टली जो फार्मर्स है या फार्मर्स के जो बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि गवर्नमेंट जो है क्या क्या दे रही है, ठीक है। सब्सिडीज, सबसे ज्यादा सब्सिडीज गवर्नमेंट किस पे दे रही है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर प्रोवाइड करवा रही है। तो ये जो है रिफॉर्म्स किए गए लैंड रिफॉर्म्स के लिए, ओके, फार्मर्स की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए ये सारी चीजें की गई है, गवर्नमेंट ने ये मेजर्स उठाए गए। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक सेटअप किए, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी सेटअप की, और जो नॉर्मल बैंक्स है, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक है ये क्या करती है, फार्मर्स को लोन देती है एट अ लो रेट, लो इंटरेस्ट रेट पे। जैसे कि हमने किया है कि जो मनी लेंडर्स है, ओके, मनी लेंडर्स क्या करते, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते, क्योंकि फार्मर क्या कर रहे हैं, मनी लेंडर से अगर लोन ले रहा है तो ये मनी लेंडर्स क्या करते हैं, वहां पे लोन का हाई इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, या फिर जब वो फार्मर अगर लोन ले रहा है तो वो पहले ही डिसाइड कर देता है मनी लेंडर की, तेरी फसल जो है उसको मैं परचेज करूंगा, ओके, तो वो अपना रेट डिसाइड कर लेता है, मतलब जो रेट एक्चुअल में होता है उससे भी कम रेट पे वो क्या करता है, फार्मर से उसके जो ग्रेन्स है उसको क्या करता है, प्रोडक्शन को परचेज करता है, जिससे फार्मर्स का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फार्मर जो है वो लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। और आपने देखा भी, सुना भी होगा कि कई बार फार्मर्स जो है वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उस सबके पीछे ये सारे चीजों को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या की है, सेटअप की है, जो फार्मर्स को एक रीजनेबल रेट पे क्या दे सके, लोन दे सके फॉर देयर क्रॉप्स। तो ये जो है बैंक्स वगैरह सेटअप किए गए। फर्दर जो है किसान क्रेडिट कार्ड्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर्स का क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट हो सके। बाद में अगर हम देखें तो कोई भी पर्सनल एक्सीडेंट हो रहा है उसके ऊपर क्या दिया जा रहा है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए क्या मिलेगा, फार्मर को इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये हम PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह, बाद में गवर्नमेंट ने आगे देखे तो हम वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम सेटअप किए।
वेदर बुलेटिन्स मतलब वेदर फॉरकास्टिंग करना फार्मर्स के लिए कि वेदर की जो जानकारी है कि आगे आने वाला वेदर कैसा रहेगा, तो आप पहले से ही मतलब उनको जानकारी प्रोवाइड करवाना। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन है, इस पे चैनल्स आते हैं फार्मर्स के लिए, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने क्या किया है फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें क्या की है इंट्रोड्यूस की गई है। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स में फार्मर्स को बताया जाता है कि कोई भी क्रॉप्स अगर वो उगा रहे हैं तो वहाँ की सॉइल कैसे होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, किस टाइम पे हम फसल उगा सकते हैं, उसके लिए कौन सा इरीगेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डाल रहे तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र कौन सा डालना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें क्या की गई है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। बाद में एक जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मतलब ये एक ऐसा प्राइस होता है जिसके नीचे मतलब इससे कम प्राइस के ऊपर कोई भी फार्मर्स की जो फसलें हैं हम वो नहीं खरीद सकते। जैसे कि अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो वीट के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट ने तय किया है 1995 पर क्विंटल, ओके। और मस्टर्ड के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 4425 पर क्विंटल। तो ये क्या है, एक हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने ताकि जो मनी लेंडर्स वगैरह है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनका शोषण ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मेजर्स थे टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द रिफॉर्म्स, फॉर द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, फॉर द रिफॉर्म ऑफ फार्मर, फॉर द रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स ऑल्सो। अभी इसके बाद अगर हम देखें तो इसी में हमारा आ जाता है भूदान एंड ग्रामदान। सुना भी होगा भूदान और ग्रामदान के बारे में। तो गांधी जी जो थे उनका एक कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य, ओके। उसके तहत ही कॉन्सेप्ट था भूदान और ग्रामदान का। महात्मा गांधी जी ने मतलब जो ग्राम स्वराज्य का कॉन्सेप्ट दिया था, क्यों इसलिए दिया था क्योंकि मतलब एक गांव को वहां पे रहने वाले लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं और उसको वो ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। भूदान एंड ग्राम दान, ओके। भूदान एंड ग्राम दान मूवमेंट, तो गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने अपना स्पिरिचुअल हायर बनाया था किसे, विनोबा भावे को। ओके, इन्होंने अपना स्पिरिचुअल हायर बनाया किसे, विनोबा भावे को। विनोबा भावे ने भी सत्याग्रह मूवमेंट्स था उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था गांधी जी के साथ। ही वॉज ऑल्सो नेशनल लीडर, ओके। तो विनोबा भावे ने क्या किया, गांधी जी का जो मिशन था ग्राम स्वराज्य का उसका मैसेज जो है वो बहुत फैलाया था। ही अंडरटुक द पद यात्रा, पदयात्रा का मतलब क्या होता है, वो उन्होंने पैदल यात्रा
की थी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ग्राम स्वराज्य. ओके, ग्राम स्वराज्य का जो मैसेज है गांधी जी का वो फैलाने के लिए ये पदयात्रा पे चले थे गांव, हर एक गांव से होते हुए दूसरे गांव में. ये ग्राम स्वराज्य जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था. ओके, सो विनोबा भावे ने एक बार जो लेक्चर दिया था इसी तरह से कौन से गांव में? पोचम पल्ली गांव में, पोचम पाली ये गांव है आंध्र प्रदेश में. ओके, तो यहां पे इन्होंने मतलब गांधी जी के जो मैसेज है उसके ऊपर लेक्चर दिया था. तभी क्या हुआ, यहाँ पे जो लैंडलेस जो फार्मर्स थे उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें क्या मिले, कि हमें जो है लैंड होल्डिंग्स दी जाए, मतलब हमारे जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे में किया जाए, हमें भूमि के कुछ हिस्से दिए जाए ताकि वो उनपे क्या कर सके, कृषि कर सके. क्योंकि लैंडलेस फार्मर का मतलब क्या होता है, जो भूमिहीन होते हैं, जिनकी अपनी कोई संपत्ति भूमि नहीं होती. तो इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये हमें क्या दे, कि कुछ भूमि के टुकड़े दे ताकि हम जो है अपनी लाइवलीहुड चला सके. तो इन्होंने क्या किया था वहां पे, जब वो लैंडलेस फार्मर्स ने इनको रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने उनको मतलब उस रिक्वेस्ट को माना तो नहीं पूरी तरह से, बट इन्होंने उन्हें एक वो दी थी, संभावना दी थी कि हम जो है इस पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन चीजों के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे. तो इसी टाइप से जब ये अपने लेक्चर्स देते जा रहे थे तो एक फेमस पर्सनालिटी का यहाँ पे नाम आता है जिसका नाम है श्री रामचंद्र रेड्डी. श्री राम चंद्र रेड्डी. ओके, श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया, अपनी 80 एकड़ जो भूमि है, लैंड है, उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लैंडलेस फार्मर में. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है कि हु डिस्ट्रीब्यूटेड हिज 80% एकड़ लैंड इन टू लैंडलेस फार्मर. तो इन्होंने अपनी 80 एकड़ ऑफ जो लैंड है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट की कर दी थी, लैंडलेस लोगों में, जिसे क्या कहा गया, भूदान. और इसको क्या कहा गया, भूदान, मतलब भूमि का क्या करना, दान करना. ओके, तो ये जो है हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भूदान क्या था. तो यहां से तुम्हें पता चल रहा होगा कि व्हाट वाज भूदान. श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ जमीन को लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो इसे क्या कहा गया, भूदान. फर्दर जो है इन्होंने अपना जो मैसेज है वो पूरे इंडिया में स्प्रेड किया, जिसके कारण कुछ जो जमींदार थे या जिनके पास बहुत सारी जमीन थी या बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिनके पास 1, 2, 3 विलेजेस जो है उनके पास इतनी सारी जमीन थी, उन्होंने क्या कर दिया, गांव के गांव विलेजेस जो है वो भी ऑफर कर दिए किसे, जमींदार, सॉरी लैंडलेस फार्मर्स को, लैंडलेस लोगों के अंदर उन्होंने विलेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसे क्या कहा गया, ग्रामदान. मतलब जो बड़े बड़े जमींदार थे या मनी लैंडर्स थे तो उन्होंने जो है विलेजेस ऑफर किए थे किसे, लैंडलेस लोगों को, जिसे कहा जाने लगा ग्रामदान. और ये हमारा बन गया भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट. अभी दिस भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन. और इसी को क्या कहा गया, ब्लडलेस रेवोल्यूशन. तो इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया. ब्लडलेस रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें मतलब कोई खून खराबा नहीं होना, ऐसी क्रांति.
क्योंकि इस क्रांति में ओनली गांधी जी के मैसेज को स्प्रेड करते हुए, लेक्चर देते हुए या लोगों को जैसे ही भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया लैंडलेस लोगों को, तो उसमें किसी भी तरह का खून खराबा नहीं हुआ। ये सारी चीज एक शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। दैट्स वाई भूदान एंड ग्रामदान जो मूवमेंट था, इसे क्या नाम दिया गया? ब्लडलेस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।